स्विम की जो एक साउंड थी वहां पे वो जरूर ली थी। बट एक और ग्रेनेड आएगा पीछे से, जंपर बॉय एक और ग्रेनेड के साथ 1 HP सर्वाइव करते हुए सेल्स की तरफ से एक और एलिमिनेशन, एक और निराशाजनक परफॉर्मेंस आज के दिन में देखने को मिल रही है। बट T1 का स्क्वाड चढ़ के बैठ सकता है यूडू गैंग के ऊपर जी, और इसी के साथ यूडू गैंग के प्लेयर्स बहुत ही बेहतरीन खेल रहे। टीम सीक्रेट को भी उन्होंने स्पॉट कर रखा है, उनको भी पता है कि ब्यू ब्यू को नॉक करा था तो उनके टीममेट्स भी आसपास ही मौजूद होंगे। और यूडू गैंग का कम एट द टाइम कम एट द परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं यहाँ पे। ऑलरेडी अच्छे खासे 7 kills इन्होंने निकाल रखे और एक स्क्वाड वाइप की तरफ जाते हुए नजर आ रहे T1 के प्लेयर्स। अभी भी एक विजिट टार का कवर है, अभी भी स्मोक्स के दायरे में है और बट मिसाइल को नॉक कर दिया गया। यॉन जॉन भी नॉक आउट हो चुके, जंपर का शानदार ग्रेनेड यहां पे, सेडेन और जीजी भी बचे। इसी के साथ जंपर को पता चल चुका है यही मौका है पुश कर सकते हैं और इसी के साथ पुश भी दे चुके। जीजी भी यहां पे कोशिश कर रहे हैं अपने टीममेट को किसी भी प्रकार बचाने की, बट जंपर को डैमेज जरूर पड़ा है। बट सेडेन भी यहां पे मौजूद है, स्प्रे अंधा जाता हुआ यहां पे। यूडू के सारे प्लेयर्स आ चुके, जंपर को यहां पे नॉक कर दिया गया बट ट्रैक्स बहुत ही शानदार ट्रेड फायर नॉक निकालते हुए ZZB को इंस्टेंट नॉक करके फिनिश भी कर देंगे। सेडन आखिरी बचे थे, बहुत ही बेहतरीन ड्रॉप शॉट नॉक उनके तरफ से भी देखने को मिला बट सेडन अभी फिलहाल हील करने की कोशिश कर रहे थे बट फ्रेडॉल यहाँ पे रुकने का नाम नहीं लेंगे और इसी के साथ यूडू गैंग ने वाइप आउट कर दिया है। बिल्कुल वहां पे फ्रेडो थे जो जिन्होंने आखिरी वाला किल निकाला जरूर, बट यहाँ पे मात्र नॉटी में बचेंगे। फ्री स्टाइल का स्क्वाड अभी भी जिंदा है, काशिफ का रिवाइवल चाहिए यहाँ पे बट बाबा और पुत्र अपने टीम के लिए अभी भी जिंदा है, देखते कितना आगे जा पाता है। बट वहां पे बॉल जाकर ग्रेनेड जरूर आएगा, फ्री स्टाइल प्लेयर को दिक्कत देगा। कॉर्डल के स्मोकी वहां पे पूरे फिनिश हो चुके, ग्रेनेड बहुत ही ज्यादा पास आया था फितरोत्सु के जिसके चलते थोड़ा बहुत डैमेज जरूर पड़ा था बट अभी नॉटी में जरूर जिंदा है। 16 प्लेयर है, स्लेयर वहां पे नोवा कॉर्डलाइक को पूरा एलिमिनेट करेंगे। एग्जिस्टेंस वाज द लास्ट में सर्वाइविंग, एक और ग्रेनेड जाएगा बॉस जाके द्वारा, फितरोत्सु भी वहां पे पूरे फिनिश हो गए इसके चलते फ्री स्टाइल का स्क्वाड भी एलिमिनेट होगा यहां पे। अब हमारे पास 6th zone है, 7th zone बनेगा थोड़ी देर में, 23 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जोन यहाँ पे बहुत कम ऐसी टीम्स है जो पूरे प्लेयर के साथ जिंदा है एंड उनमें से मात्र ऐसी टीम है जो यू कैन से आरसीएस का स्क्वाड 3 man है बट किंग ऑफ गेमर का स्क्वाड वो पूरा के पूरा स्क्वाड जिंदा है। टीम INT के 3 players जिंदा है बट RRQ अर्नी और मैट टॉय वहाँ पे 2 इकलौते ऐसे प्लेयर है जो जिंदा है और वो स्विम कर रहे हैं, कुछ ज्यादा कर नहीं सकते अपने लिए और अपनी टीम के लिए भी। बट अभी पोजिशनिंग वो ऑलरेडी ला चुके हैं, top 7 teams है, दैट मीन्स अच्छे खासे सर्वाइवल पॉइंट्स आपके पास है ऑलरेडी। बट TIND लुइस को आगे स्पॉट कर सकते हैं ब्रिज के नीचे जरूर है बट RCS के सारा के ऊपर भी एक और ग्रेनेड फेंका जाएगा। KOG के प्लेयर्स जरूर अपनी सराउंडिंग्स को क्लियर करना चाहेंगे पहले जो एक एक प्लेयर बचा, बिकॉज वही ऐसे प्लेयर है जैसे कल हम लोगों ने BR11 का गेम प्ले देखा था, वो एक प्लेयर आपका पूरा स्क्वाड वाइप कर सकता है। जी हां, स्क्वाड जरूर वाइप आउट कर सकते हैं बट अर्नी का देखना पड़ेगा कि टीम सीक्रेट के मैट टॉय को क्या वो पहले ऊपर के आके फिनिश करते हैं या फिर RCS के प्लेयर्स के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि अर्नी को इसीलिए ही यहां पे मौका नहीं मिल रहा है ऊपर जाने का क्योंकि उनको भी पता है कि RCS के प्लेयर्स मौजूद है। KOG की स्क्वाड यहाँ पे बहुत ही अच्छा पोजीशन मेंटेन करते हुए नजर आ रही है। बॉसा के तरफ एक ग्रेनेड जरूर गया था बट डैमेज नहीं कर पाए और लुइस का वहां पे ग्रेनेड जाता हुआ स्नैक्स को फिनिश ऑफ कर देंगे। टीम INT के अभी भी प्लेयर्स जिंदा है, 2 players अभी भी जीवित है। सारा अभी भी कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को स्पॉट आउट करने के लिए, नेट की बारिश यहाँ पे चल रही है और सारा को डैमेज जरूर पड़ेगा, 0.5 HP पे आ गए बट यहाँ पे रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स भी अपने वापसी नेट डाल रहे। लूफा यहाँ पे कोशिश करेंगे बॉसा को भी किसी भी प्रकार से पिक ऑफ करने के लिए बट सर्कल जो है यहाँ पे करवट ले चुकी है और टीम INT के फेवर में जा चुकी है। क्या ग्रेनेड था वहां पे, लुइस को 1 HP, यू कैन से वो मैजिक पिक्सल में जिंदा और यू कैन से वो जो बूस्टेड अप थे सिर्फ उसी की वजह से। बट टीम INT का बहुत ही प्यारा वो ग्रेनेड जो रहा था, बैट पर आपको पूरा फिनिश करेंगे। ड्यूएलो वो किल्स जो थे इकलौते प्लेयर बचे हुए बट अभी भी RRQ का अर्नी जिंदा है, दैट मींस RRQ अभी भी वो किल्स निकालने के लिए जिंदा है। RCS का ड्यूएलो नॉक डाउन होगा, क्या RRQ अर्नी अपनी टीम के लिए 1v3 निकाल पाएगा? ड्यूएलो को पूरा फिनिश करेंगे, एक पॉइंट और निकालेंगे सामने बट टीम INT ट्रैक के सामने चारों प्लेयर यहां पे मार्चिंग करते नजर आएंगे। ब्रा का है सामने, अब देखते हैं किस तरीके से टीम INT ट्रैक साइड अकेले नहीं निकालते बट पीछे से असिस्टेंस चाहिए होगा, पीछे टीम INT स्लेयर जरूर है। ग्रेनेड आया, क्या डैमेज देगा बट बहुत ज्यादा आगे चला गया था। ब्रागा पूरा फिनिश कर सकते हैं टीम INT स्लेयर को, मोलोटोव्स यहां पे शेयर करे जा रहे हैं, लुइस अभी भी जिंदा है, स्लेयर थोड़ा सा पीछे जाते हुए अपना किल डिनाई करने की कोशिश करेंगे बट यहां पे ब्रागा अपनी उजी का कमाल दिखाएंगे और टीम INT को एलिमिनेट करेंगे। मात्र 5 teams हमारे पास फाइनल सर्कल में जिंदा है। RCS का स्क्वाड अभी भी दे वांट टू रिटेलिएट दिस फाइट बट लुइस ये प्लेयर पिक्सल में बचा था और जो प्लेयर ने ग्रेनेड फेंके थे वो पूरे फिनिश हो चुके बट RRQ अर्नी स्विम करके वो किल्स भी निकाल रहे हैं, वो सर्वाइवल पॉइंट्स भी निकाल रहे हैं बट सारा उनके पास AUG है, क्या स्पॉट कर सकते हैं जिन्होंने उनके प्लेयर ड्यूएलो को पूरा फिनिश करा था? देखना जरूर पड़ेगा बट RRQ के प्लेयर्स अब इनफेमस है यहां पे बैकस्टैबिंग के लिए और कल भी हमने देखा था बियर 11 ने किस प्रकार वाल्डिस की स्क्वाड को वाइप करा था। बॉक्स के लुइस काफी देर तक जिंदा रहे थे, काफी सारे पोजीशंस उन्होंने चेंज करे और अभी फिलहाल लैंड पे आ चुके हैं और KOG के सूप यहां पे अभी भी ऊपर मौजूद।
मौजूद है, या फिर रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स को पिन से डाउन कर सकते हैं। बट बॉक्स के लुइस के ऊपर यहाँ पे पुश आता हुआ केओजी के तीनों के तीनों धुरंधर यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं। लुइस यहाँ पे पीछे की तरफ शॉट्स ले रहे हैं, अपना पोजीशन दे बैठ चुके हैं। आरआरक्यू के अर्नी अभी भी पानी के अंदर तैर रहे हैं। सारा और लूफा ब्रागा के बिल्कुल सामने मौजूद है, बट बॉक्स के लुइस अभी भी जिंदा है। देखना पड़ेगा बॉक्स के लुइस कितने देर तक जिंदा रहते हैं। और अर्नी ने यहाँ पे धावा बोल दिया और रिजेक्ट स्कारलेट के दोनों प्लेयर्स को फिनिश ऑफ कर दिया। आरआरक्यू के प्लेयर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। यहाँ पे अर्नी आखिरी बचे, मैट टॉय अभी भी पानी के अंदर है। लुइस ने भी अर्नी के ऊपर शॉट किया बट अभी भी शॉट नहीं कनेक्ट कर रहे। मैट टॉय का पोजीशन फाइनली रिवील हो चुका है। केओजी के ब्रागा ने उनको स्पॉट कर रखा है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके मैट टॉय को पिक ऑफ कर सकते हैं, बट कैन केओजी टेक दिस चिकन डिनर या विल इट बी अ डिसअपॉइंटमेंट। बिल्कुल, बट यहाँ पे मैट टॉय को पूरा फिनिश करा जाएगा। आरआरक्यू अर्नी अभी भी बहुत पानी में स्विम कर रहे हैं, बट केओजी का स्क्वाड क्या लुइस को वहां पे स्पॉट कर पाएगा, बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तो ही मात्र टीम ऐसी है जो बची हुई। आरआरक्यू की रिकॉर्ड एलिमिनेटेड, बॉक्स लुइस अकेला वन साइडेड ये वाली फाइट निकाल जरूर रहा है, बट ही विल गेट एलिमिनेटेड बिकॉज़ किंग ऑफ गेमर का स्क्वाड वन साइडेड वाली फाइट निकाल के चले गए। ऊपर उन्होंने बहुत प्यारी तरीके से पेट्रोल पंप होल्ड करा, बट बाद में आरआरक्यू अर्नी की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज जिस तरीके से तीन किल आरआरक्यू के थे बट आरआरक्यू अर्नी ने निकाले थे वाले, बट दैट वॉज अ ग्रेट वन। एंड जिस तरीके से वो फाइट शेप अप करी, आई'd लाइक टू से बिकॉज लुइस लाइक ही इज अ गॉड राइट नाउ, बिकॉज वन पिक्सल में वो जो ग्रेनेड था स्लेयर का, लाइक वो प्लेयर लॉबी में जाना चाहिए था।